अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? होप अच्छे होंगे। तो आज मैं शेयर करने वाली हूँ मोमो स्पेशल, जो चिकन वेज मोमो मिक्स है। ये मिक्स मोमो है, तो बहुत ही टेस्टी और टेम्पटिंग ये बन के तैयार होता है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने पैन चढ़ा दिया है, जिसमें हमें थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल ऐड करना है। और यहाँ पे बारीक कटा हुआ चॉप्ड गार्लिक यहाँ पे ऐड किया है हमने, बारीक कटा हुआ जिंजर ऐड करना है चॉप्ड किया हुआ, और बारीक कटे हुए हरी मिर्च शामिल करना है यहाँ पे। और तीनों चीज़ों को अच्छे से थोड़ा सा फ्राई होने देना है, मतलब थोड़ा सा कलर चेंज होने तक का हल्का ब्राउन करना है, ज़्यादा इसको ब्राउन नहीं करना है। और फिर जैसे ये ब्राउन हो जाए हल्का सा, तो इसमें हम कुछ सब्जियां भी शामिल करेंगे। तो इसको पहले अच्छे से थोड़ा सा चला दिया है हमने। अब यहाँ पर बारीक कटा हुआ कैरोट और बीन्स मैंने डाला है, शिमला मिर्च डाली है यहाँ पर, और तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। और बस यहाँ पे मैंने यहाँ पे चिकन का कीमा लिया है, यहाँ पे 100 से 150 ग्राम चिकन का कीमा है। तो बस इसको यहाँ पे डाल लेना है चिकन को, और 2 से 3 मिनट के लिए इसको थोड़ा सा ऐसे भून लेना है। तो जैसे ही 2 से 3 मिनट पे इस तरीके का चिकन का टेक्सचर आ जाएगा, और बस ये ऐसे ही चूर है कीमा की शक्ल में, बस इसको थोड़ा सा भून लेना है ताकि थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। तो इसमें 1 टीस्पून नमक हम ऐड कर लेते हैं, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर थोड़ा स्पाइसनेस के लिए, और बस इसको अच्छे से चला लेना है। और बस 2 से 3 मिनट के बाद इसको बॉल में निकाल लिया हमने, और यहाँ पे डाला है हमने 2 से 3 बड़ा प्याज काट करके यहाँ पे डाला है, बारीक चॉप्ड किया हुआ प्याज है ये, एकदम बारीक टुकड़ों में डालना है। बारीक चॉप्ड किया हुआ धनिया डालना है, हरा धनिया। और देखिए यहाँ पर कुछ मसाले ऐड करने हैं, तो 1/2 टीस्पून हमने नमक ऐड किया है, और 1 टीस्पून यहाँ पर टमाटो केचप ऐड करना है, 1/2 टीस्पून सोया सॉस ऐड करना है यहाँ पे, और 1 टीस्पून यहाँ पे ग्रीन चिली सॉस ऐड करना है, जिससे थोड़ा सा बहुत ही अच्छा सा स्पाइसनेस आ जाएगा अंदर। 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर ऐड करना है हमें, और यहाँ पे चीज़ डालना है। तो मैं यहाँ पे चिकन चीज़ मोमो बना रही हूँ, जो बहुत ही टेस्टी होता है, अंदर से ये बहुत ही जूसी तैयार होता है। तो कोई सा भी चीज़ का क्यूब ले ले, और इसको इस तरह से बारीक क्रश करके आप इसमें शामिल कर दे। तो यहाँ पे 1/2 टीस्पून हमने विनेगर डाल दिया है थोड़ा सा, और यहाँ पे पिज़्ज़ा हर्ब्स होता है, या ये ऑप्शनल है, बिल्कुल आप चाहे तो डाल सकते हैं, वरना स्किप भी कर सकते हैं। तो बस यहाँ पे डालना है, और यहाँ पे 1/2 टीस्पून मेयोनीज डाला है, जिस थोड़ा सा यहाँ पे चीज़ी फ्लेवर को एक एक्स्ट्रा चीज़ी बनाने के लिए हमें 1/2 टीस्पून मेयोनीज डालना है। आप चाहे तो थोड़ा डाला ज़्यादा भी मेयोनीज यूज़ कर सकते हैं, बस यहाँ पर थोड़ा सा ही मैंने डाला है। मैंने चीज़ थोड़ा सा और डालनी हूँ इसमें, थोड़ा सा मुझे कम लग रहा है, तो मैंने चीज़ थोड़ा सा और यहाँ पर क्रश किया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे मेरा एक जो मिक्सचर है, मोमो का मिक्सचर तैयार हो चुका है, कितना स्पाइसनेस से दिख रहा है। तो चलिए आटा मैंने गूंद के रख लिया, आटा को कुछ नहीं करना था, बस थोड़ा सा मैदा, उसमें नमक और 1/2 टीस्पून या 1 टीस्पून यहाँ पे ऑयल डाल के इसको अच्छे से गूंद के हमने 1/2 आवर के लिए रख दिया था कवर करके। तो अब यहाँ पे इसकी लोइया बना लेते हैं। तो लोई का साइज़ कुछ इस तरीके से छोटा होगा, ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, क्योंकि हमें बहुत ही पतला सा इसमें बेलना है, मतलब एकदम पतली सी इसकी लेयर होती है मोमो की, आपने देखा होगा बाहर में। बस यहाँ पे इसका मिक्सचर थोड़ा सा मिक्स कर रखना है बीच में, और इस तरीके से दोनों तरफ से उठा के बीच में दबाना है, फिर इसी तरीके से दोनों तरफ से उठा के बीच में दबाते जाए उसी आकार पे। तो इस तरीके से अगर आप ये प्रोसेस करेंगे, तो आपका एक बहुत ही अच्छा सा मोमो का डिज़ाइन बन के आ जाएगा, जो कि बाहर में अब मोमो खाते हैं तो इसी तरीके का सेम डिज़ाइन होता है। तो इसी तरीके से सारे मोमो में फिलिंग इसी तरीके से भरनी है आपको। आप चाहे तो अलग अलग भी डिज़ाइन दे सकती है, बट मैंने सेम ही डिज़ाइन दिया है। तो देखिए इस तरीके से ही करना है, सेम प्रोसेस है सारे मोमो का। तो यहाँ पे बनके हमारा मोमो जो है तैयार हो चुका है, बहुत ही अच्छे से मैंने एक बराबर डिज़ाइन और एक बराबर शेप में बनाया है। तो चलिए इसको हम थोड़ा सा स्टीम कर लेते हैं। तो स्टीम करने का तरीका, अगर आपके पास स्टीम नहीं है, तो यहाँ पे हमने स्टीम कैसे किया है देखिए। यहाँ पे एक बर्तन लेना है, स्टीम का बर्तन होता है एक, जो बहुत जालीदार होता है। इसको पहले ओवन में या फिर कढ़ाई में डाल के इसको अच्छा सा प्री हीट कर लेना है, और जो प्लेट है उसको थोड़ा सा ऑयल से ग्रीस कर लेना है आपको, और इस तरीके से साइड में पूरा साइड साइड करके इसकी मोमो की लेयर लगा देनी है। और यहाँ पर ऑयल ब्रश की मदद से थोड़ा सा ऊपर से ऑयल इसमें लगाना है, जिससे क्या होगा थोड़ा सा सॉफ्टनेस बना रहेगा इसके अंदर का। और बस इसको 10 से 15 मिनट के लिए स्टीम करना है। तो देखिए 10 से 15 मिनट पूरा हो चुका है,
आप देख पा रहे होंगे कितना अच्छा सा ये फ्लफी फूल फूल के इतना बड़ा सा साइज हो गया मोमो का, और ये पूरा अच्छे से पक चुका है। देख रहे हैं आप, पूरा अच्छे से कम्प्लीटली स्टीम हो चुका है। तो इस तरीके से आप घर में स्टीम कर सकते हैं। अगर आपके पास स्टीमर नहीं है तो स्टीमर की कोई ज़रूरत नहीं, आप इस तरीके से बर्तन जो होता है स्टीम वाला सिंपल से, ये बाज़ार में आपको बहुत कम दामों में मिलता है, इसकी मदद से आप इस मोमो को स्टीम कर सकते हैं बिल्कुल बाहर के जैसा, और बहुत अच्छा सा ये फूल फूल के इस तरीके से स्टीम हो जाएगा 10 से 15 मिनट में। तो देखिए ये सर्व करने के लिए तैयार हो चुका है। तो मोमो की चटनी के साथ इसे आप सर्व करें, या तो गर्मा गर्म चिकन सूप के साथ आप सर्व कर सकते हैं। तो मोमो जो है बहुत टेस्टी बन के तैयार हुआ था, आप भी इसे ट्राई कीजिए। और अगर वीडियो पसंद आया है तो काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। फीडबैक देना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।